Hello students, good morning. Welcome to class 5th mathematics chapter 1 revision. As I told you, in this chapter we were going to revise each and every topic from your class 4th. In last lecture we revised Roman numbers. Last lecture mein humne Roman numbers ko revise kiya tha. I hope ye table aapko ab learn hogi and aapko isme koi problem na ho. Aaj hum chapter last lecture mein aapne Hindu Arabic numbers को रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करना सीखा था. आज हम रोमन नंबर्स से हिंदू अरबिक नंबर्स बनाना सीखेंगे. सो इट्स अ काइंड ऑफ रिवर्स प्रोसेस. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपको ये टेबल अभी भी लर्न नहीं है देन मेक श्योर आप इसे लर्न करें और उसके बाद लेक्चर को कंटिन्यू करें, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा. ओके सो लेट्स स्टार्ट. द क्वेश्चन इज राइट द हिंदू अरबिक न्यूमरल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग. मीन्स आपको कुछ रोमन नंबर्स दिए हैं, उन्हें आपको हिंदू अरेबिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओके सो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है एल एक्स वी आई. अगर आपको याद हो तो एल एक्स किसे रिप्रेजेंट करता है, एल किसे रिप्रेजेंट करता है, एल रिप्रेजेंट करता है, एल मीन्स हो गया 50, एक्स रिप्रेजेंट करता है 10 को, देन एक्स मीन्स हो गया 10 एंड वी आई, वी आई स्टैंड्स फॉर 6. And now you can see 50 plus 10 plus 6 means 66 is the answer. Okay, it's quite easy, right? Next is XXX1. 3 times X means 3 times 10. 3 times 10 means 30 and 1, 31. Okay, so I hope it's clear. आपको इनको convert करना आ गया होगा. सो अब बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं वो आपको खुद करने हैं. दैट्स इट फॉर टुडे. गुड लक. बाय बाय.